हाँ जी, तो अगर आप लोग सीयूईटी एग्जाम देना चाहते हो, मीन्स कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हो यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले सकते हो सीयूईटी यूजी देकर, कौन से ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूईटी यूजी के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं, जिसके कारण आप लोग दूसरे जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो अगर हम लोग सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी आती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। एंड ये सारे जो अभी मैं बताऊंगा, ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी वही है जो गवर्नमेंट के अंदर आती है, मीन्स जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, वो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, फिर असम यूनिवर्सिटी नेक्स्ट आती है, उसके बाद आती है BBAU, मीन्स बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। उसके बाद नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। फिर डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय एंड गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हेमानंदन भगुना घरवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड ये सारे अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो मैं बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट आती है मणिपुर यूनिवर्सिटी। फिर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। एंड फिर मिजोरम यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट आती है नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट आती है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, दी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर आती है त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद, जिसको हम लोग अलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो ये सारे जितने भी मैंने बताया टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो भी स्टेट अपनी अपनी अलग जितने भी स्टेट हैं उन सब की अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट ऑन करती है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, फिर आती है DAVVP देवी अहिल विश्वविद्यालय, फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, फिर नेक्स्ट आती है डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, फिर डॉक्टर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, फिर झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, फिर नेक्स्ट आती है जीवाजी विश्व यूनिवर्सिटी, फिर नेक्स्ट आती है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर नेक्स्ट आती है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट आती है सरदार यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, फिर आते हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एंड विक्रम यूनिवर्सिटी। तो ये सारे स्टेट यूनिवर्सिटी वो हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है जो अभी तक यूनिवर्सिटी का टैग जिन्हें मिला नहीं है, बट आने वाले टाइम में वो डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। तो ये सारे दो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, लाइक जामिया हमदर्द, दयालबाग इंस्टीट्यूट, तो ये सब भी CUET के स्कोर को एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप लोग को पता होगा जितने प्राइवेट ऑन वो कॉलेजेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, वो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गए। एंड इसकी फीस वगैरह भी थोड़ी हाई रहती है, लाइक अपेक्स यूनिवर्सिटी हो गई, बेनेट यूनिवर्सिटी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, गलगोतियाज यूनिवर्सिटी। तो ये सारे ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो।